इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 20 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी में संघर्ष करने वाले, बीते 12 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता की भूमिका को कारगर ढंग से निभाने वाले अतुल सिंह ने 18 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते अतुल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? इस संबंध में विशाल खबर ने अतुल सिंह से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से पलायन क्यों किया। आज हमारे साथ कांग्रेस में रह चुके अतुल सिंह जी हैं, अब वो भाजपा ही हो गए हैं, तो आखिर आज उनसे बात करेंगे अतुल जी से कि आखिर वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हुए। हमारे साथ सीधा अतुल जी हैं, उनसे बात करें। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताइए आखिर भारतीय जनता पार्टी आप क्यों ज्वाइन किया आपने? देखिए, जब कोई किसी दल में रहता है, वो चाहे कम समय के लिए रहे या अधिक समय के लिए रहे, और उस दल को छोड़ दे, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। अतुल सिंह ने विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान से बातचीत की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं 20 से 25 वर्षों से अधिक समय से कांग्रेस में एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा, 12 साल से लगातार प्रवक्ता हूँ। आश्चर्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी पराजय से सबक नहीं ले रही है। पहले कांग्रेस पार्टी हर वर्ग की आवाज़ हुआ करती थी, अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। अतुल सिंह ने कांग्रेस पार्टी की रीति नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस भगवान राम से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस ने सिर्फ रामलला की स्थापना के कार्यक्रम का बहिष्कार ही नहीं किया बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया। कांग्रेस में प्रतिभाओं का सम्मान नहीं है, गुटबाजी हावी है, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। मैं कांग्रेस पार्टी की पिछले 20 से 25 सालों से सेवा कर रहा हूँ। एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्य किया कांग्रेस पार्टी में। मैंने NSUI से शुरुआत की थी, छात्र राजनीति से मैंने शुरू किया। मैं NSUI में जिले का महामंत्री रहा, मैं युवक कांग्रेस का जिले का उपाध्यक्ष रहा, ब्लॉक कांग्रेस के संगठन में भी रहा, और पिछले 12 सालों से मैं जिला कांग्रेस कमेटी का मैं प्रवक्ता हूँ। तो पिछले 20-25 सालों से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ एक समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता की हैसियत से। निश्चित रूप से इतनी बड़ी सेवा के बाद अगर मैंने कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसी बातें होंगी जिसने मुझे इस ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर मुझे अग्रसर होना पड़ा। उसकी साफ वजहें हैं। मैंने ऐसा महसूस किया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पराजय से सबक नहीं ले रही, कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों से हट चुकी है, कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों से हट चुकी है, कांग्रेस पार्टी ने अपने विचारों को भी त्याग दिया है, और कांग्रेस पार्टी जो कभी हर वर्ग की आवाज़ बना करती थी, वो उस पथ से हट करके कांग्रेस पार्टी अब ऐसे मुद्दों को उठा रही है जो देश को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हाल ही में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। उस मंदिर से और भगवान राम से हमारे आप जैसे करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी। उस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार तो किया ही, उल्टे उस कार्यक्रम का मजाक उड़ाया। मैं समझता हूँ यह सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म, और केवल हिंदू धर्म का नहीं, मैं सभी धर्मों का मैं मानता हूँ कि यह अपमान है। तो मैंने ऐसा भी पाया कि कांग्रेस पार्टी में प्रतिभाओं का सम्मान नहीं हो रहा, प्रतिभाओं की उपेक्षा हो रही है। कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे जमीनी कार्यकर्ता हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने स्थान नहीं दिया, और गुटी राजनीति हावी है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में अतुल सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 1980 में स्थापना हुई थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था वही एजेंडा
आज भी कायम है। भारतीय जनता पार्टी उसी एजेंडे पे काम कर रही है। पार्टी की स्थापना काल से भाजपा का एजेंडा था राम मंदिर बनाना, 370 हटाना। भारतीय जनता पार्टी ने उन एजेंडों को पूरा किया। आज की तारीख में CAA पर पार्टी ने काम करना शुरू किया है और उसका भी एजेंडा करीब करीब पूरे देश में लागू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी हमने इसलिए ज्वाइन किया, आपने ऐसा देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उस 80 में भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था वो आज भी कायम है, चाहे भगवान राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे CAA का मुद्दा हो। ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इन मुद्दों से विमुख नहीं हुई और आज भी उसके मुद्दे बने हैं और उसमें काम किया। देश में भगवान राम का मंदिर बना, 370 धारा के संबंध में पार्टी ने निर्णय लिया, CAA के संबंध में पार्टी ने निर्णय लिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सिद्धांतों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के जब स्थापना हो उसके बाद से आज तक अपने मुद्दों पर अड़ी है। क्या सत्ता के लालच में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि सत्ता का लालच होता तो कांग्रेस बहुत पहले छोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस पिछले 20 साल से भी सत्ता में नहीं रही जी। इधर 5 साल फिर BJP आ गई है जी। कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप सत्ता में कांग्रेस नहीं दूर है? ये भी एक वजह हो सकती है कि आप लोगों को लगता हो कि सरकार हमारी नहीं बन रही कांग्रेस की, तो फिर हमें भाजपा में जाना चाहिए। फिरोज भाई साहब देखिए, ऐसा लेट आपको भाजपा में आना? भाई साहब ऐसा है जी, अगर मुझे सत्ता का लालच होता तो हम 20 सालों से पार्टी में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, हम कब का चले गए होते। इतना लेट क्यों? लेट हमने इसलिए किया कि शायद पार्टी सही राह पर आए, शायद इन पराजय से सबक ले, शायद जनता की भावनाओं को समझे। वो लगातार वो जनता की भावनाओं की उपेक्षा कर रही है, लगातार जो है तो अपने विचारों से हट करके जो है तो काम कर रही है और पराजय से कोई सबक नहीं ले रही। कब तक कोई आदमी संघर्ष करेगा? कब तक जो है तो प्रतिभाओं की हत्या को देखता रहेगा? दल के रिश्ते नहीं हैं बल्कि दिल के रिश्ते हैं। जहां तक रही बात करने की बात, तो मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं उनसे इस संबंध में कोई बात करूं। अजय सिंह के बड़े समर्थक माने जाते हैं, आप भाजपा में जाने से पहले अजय सिंह राहुल भैया से कोई आपकी चर्चा हुई, बात हुई कि हम भाजपा में जा रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा आपने करी? देखिए, बड़े स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और बहुत सारे लोगों ने मुझे इस संबंध में मुझसे बात की है, मीडिया के लोगों ने। अजय सिंह जी से मेरे दल के रिश्ते नहीं थे, अजय सिंह जी से मेरे दिल के रिश्ते थे, और वो दिल के रिश्ते कल भी थे, आज भी हैं, और आगे आने वाले समय में हमेशा बने रहेंगे। उनका हम दिल से सम्मान करते हैं। आपने कोई बातचीत उनसे करी कि हम भैया जा रहे हैं भाजपा में, तो उन्होंने क्या कहा आपसे, कुछ बात आपकी हुई? मेरी उनसे इस संबंध में कोई भी बात नहीं। आपने नहीं करी उनसे? नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसे आज BJP में आप आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या राहुल भैया भी जा सकते हैं क्या BJP में आगे? मैं, मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि मैं इतनी बड़ी हैसियत के नेता के बारे में किसी दल को छोड़ने या जाने के बारे में मैं टिप्पणी करूं। कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस अपने नीतियों में अटल नहीं है, भाजपा अटल रही है, इसलिए हम भाजपा की नीतियों से मैं इतना कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के हजारों हजार कार्यकर्ता कांग्रेस की नीतियों से संतुष्ट नहीं है, और यही कारण है कि हर रोज आप देख रहे हैं कोई ना कोई जो है तो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है। और भी कोई बड़े नाम आपसे लगता है आपके साथ पीछे आने वाले हैं? देखिए, मैं बहुत ऐसे नामों के बारे में टिप्पणी करना, मेरा अब नाम लेकर के बोलना मैं उचित नहीं मानता। मेरी जो हैसियत है मैं उतने ही उस सीमा के अंदर ही मैं बात करूंगा। मैं अपना जानता हूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, और मैं भारतीय जनता पार्टी को एक कार्यकर्ता के रूप में जितना मुझसे होगा मजबूत करने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहीं कोई डील आपके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हुई है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि न कोई पद, न कोई लालच, न कोई लालसा। बातचीत भारतीय जनता पार्टी से आपकी किसी पद को लेकर के कि आप BJP में आइए तो हम आपको पद देंगे, ऐसा कोई बात आप? बिल्कुल नहीं, इस संबंध में न कोई पद, न कोई लालच, न कोई लालसा कोई भी। मैंने अपना निर्णय, ये मेरा स्वयं का निर्णय है,
और मैंने लिया है। मेरे कोई लालच, अगर मुझे लालच होता, कुछ भी होता, तो आज मैं 20 सालों से विपक्ष के रूप में और प्रवक्ता के रूप में मैंने कार्य किया। आप लोग जानने वाले हैं, देखने वाले हैं कि मैंने किस तरह से संघर्ष किया है। तो मेरे अंदर कोई लालच या कोई ऐसा होता तो मैं निश्चित रूप से आज 20 सालों संघर्ष क्यों करता, विपक्ष की राजनीति क्यों करता, बताइए आप। आगे भी कोई दल बदल सकते हैं या कांग्रेस पार्टी में आप दोबारा वापसी कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में अतुल सिंह ने कहा कि दल बदलना कपड़े बदलने जैसा नहीं है, या कपड़ों की तरह दल नहीं बदले जाते। अब मेरी कोशिश होगी कि जिस झंडे के नीचे मैं आ गया हूं, अब उसी झंडे के नीचे मैं अपनी अंतिम सांस लूं। तो भारतीय जनता पार्टी बने रहेगी, घर वापसी या फिर किसी और पार्टी में भी आगे जाने की सोचेंगे आप? देखिए, ये कपड़ों की तरह दल नहीं बदले जाते। कांग्रेस पार्टी की मैंने 2500 साल सेवा की है ना, बहुत बड़ी पीड़ा रही होगी तभी मैंने दल छोड़ा। मैंने भारतीय जनता पार्टी की में आया हूँ तो अब मैं कोशिश करूँगा कि इसी इस दल के झंडे के में ही जो है तो मैं अंतिम सांसें लूँ। मेरा यही मैंने सोच रखा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अंतिम सांस तक मैं सदस्य बनकर। जब अतुल सिंह से सिद्धार्थ कुशवाहा को लोकसभा की टिकट देने के संदर्भ में बात की गई तो उनका दर्द जुबा पर आ ही गया, या यूं कहें कि उनका दर्द छलक ही गया। और उन्होंने कहा कि पहले उन्हें विधायक की टिकट मिली, फिर उन्हें महापौर की टिकट मिली, फिर उन्हें विधायक की टिकट मिली, अब सांसद की टिकट मिल गई। क्या कांग्रेस पार्टी में एक ही व्यक्ति है जो संघर्ष कर रहा है? क्या एक ही व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए? जो अन्य व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं उनकी आखिरकार उपेक्षा क्यों की जा रही है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पार्टी एक ही व्यक्ति को टिकट दे रही है जो समझ से परे है। सिद्धार्थ कुशवाहा को लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया सपना का, ये भी एक वजह है आपकी नाराजगी की? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पर बहुत से जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आप ये बताइए, पहले उनको विधानसभा की टिकट मिली, इसके बाद उन्हीं को महापौर की टिकट दे दी गई, फिर उनको फिर विधानसभा की टिकट दे दी गई, फिर इसके बाद फिर लोकसभा की भी टिकट दे दी गई। तो क्या केवल एक ही व्यक्ति हैं जिनको बार बार पार्टी टिकट दे, और जो हजारों लोग संघर्ष कर रहे हैं क्या उनका कोई वजूद नहीं है? क्या उनके बारे में पार्टी को निर्णय नहीं लेना चाहिए? तो बहुत सारी वजहों में मैं इस वजह से इनकार नहीं कर सकता। एक फैक्ट होता है कि भाई बार बार सर्वे आपकी पार्टी कराती थी कांग्रेस में कि भाई पर्यवेक्षक आ रही है, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो हर बार मतलब एक ही नाम यहाँ से जाता था कि पार्टी ऊपर से ही नाम। कांग्रेस पार्टी में जो सर्वे हैं वो टिकट देने के मापदंड नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी में सर्वे जो होते हैं वो टिकट काटने के मापदंड होते हैं, टिकट देने के सर्वे नहीं होते कांग्रेस पार्टी। विशाल खबर से बातचीत करते हुए अतुल सिंह ने अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है। अब आप सपना के लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पार्टी में तो अब रहा नहीं, लेकिन जो हमारे साथी मित्र हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अब भी समय है, अब भी वो जाग जाएं, और ऐसी पार्टी में उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी क्षमता का कोई आकलन नहीं है, और उस दल से जुड़ें जो प्रतिभाओं का भी सम्मान करती है, जो एक मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना के आधार पर काम कर रही है, युवाओं के संबंध में बड़े बड़े निर्णय ले रही है, महिलाओं के संबंध में, बेरोजगारों के संबंध में, वो सब जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, मेरी उनसे अपील है। ये थे हमारे साथ अतुल सिंह जी। इनका साफ कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से खुश होकर, उनके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। सतना से वीडियो जर्नलिस्ट महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें, हमारी प्रस्तुति अच्छी लगती है तो आप विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।